दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 10 जून 2018 को शामली के अंदर PHL लिमिटेड वर्कर कल्याण समिति के अध्यक्ष रविशंकर जी और विकास त्रिपाठी जी और इंसाफ की आवाज़ के महेंद्र पाल दानगढ़ जी उपस्थित हुए थे, जहां पर पल्स पीड़ित निवेशकों के लिए एजेंटों के लिए एक मीटिंग रखी गई थी। उस मीटिंग में भव्य स्वागत किया गया है इन संगठनों का, जो एक साथ मिलकर के पल्स पीड़ितों की भावनाओं को समझते हुए पल्स पीड़ितों का पैसा दिलवाने के लिए भारत के हर कोने में मीटिंग कर चुके हैं। और 10 जून के बाद शामली की मीटिंग के बाद राजस्थान में आज मीटिंग है 11 बजे से, जहां पर ये तीनों संगठन मिलकर के राजस्थान के अंदर से मीटिंग करेंगे। आप देख सकते हैं कि कितना व्यस्त समय इन लोगों का है कि शामली और शामली से सीधे राजस्थान और फिर राजस्थान से कहीं और। और मैं आपको एक खबर और दे देता हूं कि शामली में सभी निवेशकों एजेंटों से अनुरोध किया गया है कि 20 और 21 तारीख को लखनऊ में उपस्थित हो, क्योंकि 21 तारीख को काउंटर आदेश आने वाला है, काउंटर प्रस्ताव RM लोढ़ा कमेटी की तरफ से आने वाला है। उस काउंटर प्रस्ताव में क्या होगा, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इस वजह से सभी निवेशकों और एजेंटों को लखनऊ में आने का न्योता दिया गया है इन संगठनों की तरफ से। तो ये शामली की वीडियो है जहां पर मीटिंग हुई थी। थोड़ी सी ऑडियो में प्रॉब्लम है, आप फिर भी ध्यान से सुनिएगा। आइए चलते हैं शामली की मीटिंग में, जहाँ पर विकास त्रिपाठी जी संबोधित कर रहे हैं PHL निवेशकों और एजेंटों को। क्योंकि अगर आपकी सोच हमारी सोच बन जाए कि हमें अपने पैसे के लिए लड़ना है, हम अपने पैसे के लिए लड़े, ये अपने पैसे के लिए लड़ रहे, तो आज यहाँ पे 5,85,00,000 निवेशक की भीड़ होती। दोस्तों नमस्कार। पूरी खबर बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो के नीचे एक इस तरह का लाल कलर का बटन आपको दिखाई देगा और बराबर में घंटे का निशान इस तरह का दिखाई देगा, उसको भी दबा दीजिए। इससे आपको फायदा होगा कि जो भी वीडियो हमारे इस चैनल पर अपलोड होगी वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी, जो बिल्कुल फ्री है। तो आइए चलते हैं खबर। धन्यवाद सभी पीड़ित भाइयों और बहनों। पीड़ित तीन प्रकार के हैं यहाँ पर। समस्या जो है, समस्या ये है कि हम लोग तीन प्रकार के पीड़ित हैं। एक पीड़ित ये जो सारे पीड़ित बैठे हुए हैं, एक पीड़ित वो जो घरों में बैठे हुए हैं, और एक पीड़ित वो जो घर और जो यहाँ उनसे हट के हैं, वो केवल मौज ले रहे हैं, दूसरी कंपनियों में जोड़ने के लिए राय दे रहे हैं। पीड़ित वो भी है, पीड़ित वो भी है, और पीड़ित वो भी है जो व्हाट्सएप से सर जी क्या हुआ, और पीड़ित एक हम और आप हैं जो धूप और लूप में यहाँ चल के आए हैं। तीन प्रकार का पीड़ित है। समस्या इसी बात का है कि पैसा इस वजह से नहीं मिल पा रहा है, बाकी कुछ नहीं है, पैसा 2 मिनट में। अभी भाई साहब कह रहे थे सरकार, हम सरकार से है नहीं, गलत, ये मेरी सोच है, आपकी अलग है, बड़े भाई है, सम्मान करता हूँ। मेरी सोच ये है कि हमसे सरकार है, मैंने वोट दिया था तब ये सरकार बनी है, बनी है कि नहीं बनी है, तो भी अच्छे दिन वो क्या दिखाएंगे यार, मैं और आप उनको अच्छे दिन दिखाएंगे। बोलो गलत बोल रहा हूँ यार, वो क्या सरकार हमारे अच्छे दिन दिखाएगी है? जो हमारे पैसों से एक एक जो रिचार्ज कराते हैं इसका भी पैसा पड़ता है कि नहीं पड़ता है, क्या 10 रुपए में 10 रुपए मिलते नहीं मिलते यार? मेरे पैसों से सरकार चल रही है, क्या वो मेरे पैसा दिला पाएगी? नहीं, हमको लड़ना पड़ेगा, जो घरों में बैठे हैं उनको बाहर निकलना पड़ेगा, नहीं 2 नहीं 4 साल नहीं 4 वर्ष क्या 8 वर्ष लग जाए पैसा नहीं मिल पाएगा। इसके लिए सबको एक होना पड़ेगा। और भाई साहब ने बोला कोर्ट, कोर्ट ने 2 फरवरी 2016 को जजमेंट दे दिया था निवेशक के पक्ष में कि फैसला ये दे दिया गया, उसके लिए कमेटी बना दी गई, ठीक, एक जिम्मेदार व्यक्ति पर डाल दिया गया, ये टेंट लगा, अभी टेंट गिरा, ठीक, तो टेंट वाले को बुलाएंगे ना,
कि पड़ोसी को बुला के आएंगे, भाई टेंट सही करो, पैसा तो मैं इसको दे रहा हूँ, जिम्मेदारी उसकी है। तो आर्यन डोडा साहब के पास जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को हम लोगों को दमदारी के साथ और एकता के साथ ये लोडा साहब पर दबाव बनाना पड़ेगा। कोर्ट का कोई काम नहीं है, जो कहता है कोर्ट का काम है, कोर्ट का कोई काम नहीं है, क्योंकि निर्णय दे दिया। हम लोडा साहब के मिलेंगे, लोडा साहब पर दबाव बनाएंगे, लोडा साहब से कहेंगे ये सरकार क्या करेगी, सरकार क्या है। लोडा साहब सरकार से नहीं है, नियुक्ति कोर्ट ने बोला है, कोर्ट का मामला अलग है, सरकार का मामला अलग है। ये हमारी सोच है, बाकी सबकी अलग सोच हो सकती है, हमारा ये विचार है। इसलिए भाइयों मैं यहाँ पर चल के आया, क्यों मेरी वाइफ एम्स में रहती है, इसलिए आया क्योंकि भाई साहब मेरे परिवार का भी 35 लाख रुपए लगा है। 1994 में मैं भी ज्वाइन हुआ था एक पैसा पैदा करने की इच्छा के लिए। 90 में पिताजी जुड़े थे, पूरा परिवार हमारा इसमें था, पर दुर्भाग्य है कि हम लोगों को ये दिन देखने पड़ रहे हैं। ये हमारे और आपके कारण से है, क्योंकि जानकारी का अभाव होता क्या है। आज हम यहाँ शामली दिल्ली ये वो घूम रहे, क्यों? क्योंकि पहले हमने इस चीज की जानकारियां नहीं ली। अगर जिस समय कंपनी चल रही थी, अगर उस समय भी यही ऐसे ही हम लोग दौड़ दौड़ के जाते, हज हेड ऑफिस से लेके रीजन ऑफिस तक इतना नहीं जाते थे, दूसरों के सहारे रहते थे। उसमें दिक्कत आई, जो सामने वाले ने बताया उसको मान लिया गया, ठीक। आज हमें आपको मानना नहीं है, हमें आपको एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर चलना है, लड़ना है और जीतना है, तब हमारा पैसा मिल पाएगा, नहीं तो पैसा ऐसा नहीं मिल पाएगा। भाई साहब ये आप समझ लीजिए, झूठ मैं बोलता नहीं हूँ, सीधी बात है। मैं अपने पैसे के लिए लड़ रहा हूँ, आपके पैसे के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, ये भी दिमाग में रखिएगा। बिल्कुल, क्योंकि अगर आपकी सोच हमारी सोच बन जाए कि हमें अपने पैसे के लिए लड़ना है, हम अपने पैसे के लिए लड़ रहे हैं, ये अपने पैसे के लिए लड़ रहे हैं, तो आज यहाँ पे 5,85,00,000 निवेशक की भीड़ होती। पर आदमी आज ये सोच नहीं रहा है, सोच ये रहा है कि ये पागल लगा हुआ है, जिस दिन इस पागल का पैसा मिल जाएगा मेरा भी मिल जाएगा, ये कदाप नहीं है। क्योंकि 21 जून को जो निर्णय होने वाला है वो ऐसा ही निर्णय होगा कि जो घरों में बैठे हैं उनको पैसा जीवन में नहीं मिल पाएगा, आज मैं बता के जा रहा हूँ। और इसी उपलक्ष्य में 20 और 21 जून को हम लोगों ने लखनऊ में 2 दिवसीय कार्यक्रम रखा है। सारे लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि 20 और 21 जून को लखनऊ आए और 2 दिन का कार्यक्रम है, कपड़े लगते और जो खाने पीने का कार्यक्रम है, पानी वानी वगैरह लेके आए, 2 दिन हटना नहीं है वहां से, 2 दिन हमको वहीं रहना है। जब तक यहाँ से 21 तारीख का निर्णय नहीं होगा, हम लोग से भी कहा फीस नहीं ढीलेंगे, नहीं ढीलेंगे। क्या आप लोग हमारी बात से सहमत हो, बताइए। अगर सहमत हो तो खाइए हमारी कसम कि आप 20 और 21 तारीख को लखनऊ आएंगे जैसे मैं आया हूँ। क्योंकि आज की डेट में पैसा सबका अपना अपना है, पर भाई साहब व्यवहार चल रहा है, इस जिले वाला उस जिले जाए, इस जिले वाला उस जिले जाए। देखिए भाई साहब, सरकार हमारी ओर देखने लगेगी, मीडिया की हमको नहीं जरूरत है, हम खुद अपने आप में मीडिया है, यह सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया के द्वारा यहाँ के नेता अभिनेताओं के पास हमारी खबरें जा रही है, ऐसा नहीं है, जानकारी सबको है, सभी नेताओं को है, सभी अभिनेताओं को है। पर समस्या ये है कि हम लोग उस दमदारी से, उस असरदारी से हम लोग अपनी आवाज नहीं उठा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग निवेशक के हित में काम करेंगे, क्योंकि मैं भी निवेशक, आप भी निवेशक हैं, क्योंकि जुड़े थे एजेंट के रूप में, तो पहली पॉलिसी आपने भी अपनी कराई थी, ठीक। तो पहला हम लोगों की सोच ये होनी चाहिए कि हम लोगों का पैसा कैसे निकले। हमें किसी संगठन, अच्छी बात है संगठन है, हम भी जुड़े हुए हैं, पर आज दुकानें खुल गई हैं, उन दुकानों को बंद कराना चाहिए। गली गली में संगठन बनने लगे हैं, आज हम लोग भ्रमित हो रहे हैं। पहला हम लोगों का मोर्चा यह है कि हम लोग एक निवेशक है और निवेशक के हित में जो भी काम होगा वो किया जाएगा। इसलिए 20 और 21 जून को हम लोग सेवी के ऑफिस का घेराव
जब तक नहीं हटेंगे जब तक हम लोगों की दिल्ली से खबर अच्छी नहीं पहुंचेगी। इसलिए मैं एक बार पुनः आपसे निवेदन करता हूं, आप भी हमारे भाई हैं, पीड़ित हैं, जैसे मैं दुखी हूं, आप भी हो सकता है कम और ज्यादा दुखी हो। पुनः एक बार निवेदन है कि 20 और 21 तारीख को लखनऊ चाहे एक दिन का कार्यक्रम निकाल के लाए, आए जरूर, उसमें हम लोगों का मनोबल बढ़ेगा और पैसे की रास्ते बनेंगे, यही हमारी आशा है। धन्यवाद। विकास त्रिपाठी, कानपुर से। तो दोस्तों अब जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हमारे इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो देखने के लिए।